मेक श्योर करें वैक्यूम करते हुए आपका पाउच डॉटेड होना चाहिए इस तरह से। ये डॉटेड पाउच है, इन डॉटेड पाउच में ही आपका वैक्यूम सील हो सकेगा। नॉर्मल सीलिंग के लिए आप कोई भी प्लास्टिक बैग यूज कर सकते हैं, डॉटेड नॉन डॉटेड, लेकिन वैक्यूम के लिए आपको सिर्फ डॉटेड पाउच ही यूज करना है। वैक्यूम सीलर के साथ आपको अंदर ये एक वैक्यूम रोल मिलेगा, 10 पाउचेस मिलेंगे और ये पाइप मिलेगा। इस पाइप का यूज मेनली इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए होता है या फिर मैसन जार वैक्यूम पैक करने के लिए होता है। 99% आपको इस पाइप की नीड नहीं पड़ेगी, बट अगर आपको अपना कोई मैसन जार सील करना है तो आप हमें रीच करें, हम आपको बताएंगे कैसे करना है। वायर लेंगे, वायर को सीलर में यहां लगाएंगे, यहां सीलर में आपको जो कार्ड मिला है इस कार्ड को आप फेंकेंगे नहीं। जब भी आप सीलर को यूज करने के बाद बंद करके रखेंगे तो आप इसको कभी भी ऐसे लॉक करके नहीं रखेंगे, इसको सिंपली ऐसे ही लूज रखना है। इसके साथ हम वैक्यूम रोल से वैक्यूम पैक स्टार्ट करेंगे। नाउ आप देख सकते हैं इसका ये एंड ओपन है, तो हम इसको पहले सील करेंगे। सील करने के लिए हमें जो कटर है इसके नीचे से वैक्यूम रोल को निकालेंगे एंड जो काली पट्टी है इस पे हम सील करेंगे। थोड़ा सा इतना एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं हम थोड़ा छोड़ देंगे। सीलर बंद करेंगे, प्रेस करते हुए आप लेफ्ट और राइट में थोड़ा प्रेशर देंगे एंड आपको क्लिक की आवाज सुनाई देगी कुछ इस तरह से। सीलर आप देख रहे हो ओपन नहीं हो पा रहा है, अब हम सील करेंगे। सील करते हुए आपको एक आवाज आएगी, स्टॉप। स्टॉप की लाइट होने पे ही हम वैक्यूम सीलर ओपन करेंगे। सीलर अभी ओपन नहीं हो पा रहा है, 5 to 6 seconds वेट करेंगे। सीलर ओपन हो गया है, आप देख सकते हैं सीलिंग हो चुकी है। नाउ आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम अपना पाउच बना लेंगे। कटिंग करने के लिए कटर को प्रेस करेंगे एंड एक हाथ से स्मूथली से स्क्रॉल करेंगे लाइक दिस। ये बहुत इजीली कट हो जाएगा। हमारा वैक्यूम पाउच रेडी है। ड्राई फंक्शन, ड्राई फंक्शन हमारा यूज होता है ड्राई फ्रूट आइटम्स को पैक करने के लिए, लाइक ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट, जो भी हमारे ड्राई फ्रूट आइटम्स हैं। हमने कुछ अखरोट भरे हैं पैकेट में, सीलर ओपन करेंगे। पैकेट रखते हुए मेक श्योर करना है कि आपका पैकेट इस चैम्बर के सेंटर में ही होना चाहिए, इसके ऊपर या नीचे नहीं। ये जो आपको दो हुक दिख रहे हैं इसके बीच में हम पैकेट को रखेंगे कुछ इस तरह से लाइक दिस। बिल्कुल सेंटर में हमारा जो पैकेट है बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए एंड ड्राई। स्टॉप होने तक हम कुछ नहीं करेंगे, अभी ड्राई की ही लाइट ऑन है। स्टॉप, बटन प्रेस करेंगे, सीलर ओपन हो गया है। सी मॉइस्ट फंक्शन, मॉइस्ट फंक्शन हमारा यूज होता है सेमी लिक्विड फूड आइटम्स लाइक अचार, जैम, बेसिकली वो फूड जिसमें हमारा थोड़ा लिक्विड होता है उसके लिए हम मॉइस्ट फंक्शन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने थोड़ा अचार लिया है तो इसको हम अब वैक्यूम पैक करेंगे। ऑल्सो मेक श्योर करें कोई भी आप सेमी लिक्विड आइटम जब लें तो पैकेट में कम से कम इतना स्पेस हो, क्योंकि जब आप देखेंगे आप वैक्यूम पैक होगा तो इसमें लिक्विड निकलेगा, अगर जगह नहीं होगी तो वो लिक्विड आपके सीलर के अंदर जाके उसको खराब कर सकता है। आप देख सकते हैं कैसे लिक्विड निकला है। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था सील फंक्शन यूज होता है हमारा सिर्फ सील करने के लिए। ऑल्सो वैक्यूम सीलर के साथ आप किसी भी टाइप के प्लास्टिक पाउचेस को सील कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये एल्यूमिनियम पाउच है, इसको हमने ये सील करा है एंड ये क्राफ्ट पेपर है जो अंदर से प्लास्टिक का है, इसे भी हमने ये सील किया है। वैक्यूम करते हुए हमें डॉटेड पाउच या टेक्सचर्ड पाउच, पाउचेस प्लेन नहीं होने चाहिए, वो चाहिए होते हैं वैक्यूम करते हुए, बट नॉर्मल सीलिंग के लिए हमारे किसी भी तरह के प्लास्टिक पाउच चल सकते हैं। नाउ पल्स, पल्स ऑप्शन हमारा यूज होता है, फॉर एग्जांपल हम चिप्स पैक करना चाहते हैं, अब अगर हम उसे ड्राई में करेंगे या मॉइस्ट में भी करेंगे तो वो पूरा एयर सक कर लेगा एंड उससे हमारे चिप्स टूट सकते हैं, इसलिए हम पल्स ऑप्शन यूज करते हैं लाइक दिस। ये हमारे चिप्स हैं, पैकेट चैम्बर के सेंटर में रखेंगे। नाउ पल्स, आई थिंक इतना बहुत है एंड अब हम इसे सील कर देंगे। हमारे चिप्स टाइटली वैक्यूम पैक भी नहीं हुए हैं एंड टूटे भी नहीं है, इसलिए हम पल्स फीचर, इन जैसे केसेस में हम पल्स फीचर यूज करते हैं। नाउ कैनिस्टर, कैनिस्टर का फीचर मैंने आपको जो पाइप दिखाया था उसमें यूज होता है, मेनली इस फीचर का यूज हम इंडस्ट्रियल पर्पसेस में करते हैं।
एंड स्टॉप बटन. अगर कभी भी वैक्यूम पैक के टाइम आपको लगे कि नहीं मुझे स्टॉप करना है, देन आप इमीडिएटली स्टॉप बटन प्रेस कर सकते हैं. ऑल्सो कस्टमर केयर नंबर आपको गिवन है, आपको कभी भी लगे आपका वैक्यूम पैक नहीं हो रहा है या मशीन में कोई भी टाइप का इशू आ रहा है, देन आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें या कॉल करें. वैक्यूम पैक पे ये आप अगर देख पा रहे हैं तो ये पॉलिथिन या जो भी कहते हैं इसे फिल्मिंग इस पे चढ़ी हुई है. आप चाहो तो इसे हटा भी सकते हो या फिर लगे भी रहने दे सकते हो, इससे आपका वैक्यूम सीलर हमेशा नए जैसा रहेगा. तो अगर आपको ये दिखे तो ये कोई खराब नहीं है, ये इस पे फिल्मिंग हो रखी है. आप चाहो तो इसे रिमूव भी कर सकते हो. ऑल्सो जब आप पैकेट चैम्बर के सेंटर में रखेंगे तो ये ऐसे टेढ़ा या ऐसे नहीं होना चाहिए, इसमें क्रीजेस नहीं पड़ने चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए. ये इस तरह से ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, फिर ही हम बंद करेंगे. अगर इसमें कुछ गैप रह जाता है या ये ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा है पैकेट, हम ऐसे इसको बंद कर देंगे तो ये हमारा वैक्यूम पैक नहीं हो पाएगा. ऑल्सो जब भी आप सीलर को रखें तो कभी भी इसको ऐसे लॉक करके नहीं रखना है. आप सीलर को नॉर्मली जस्ट ऐसे करके ही रखेंगे. लॉक करके रखने से हमारा ये जो चैम्बर पे फॉर्म लगा है इसकी शेप खराब हो सकती है, इससे आपको वैक्यूम पैक करने में प्रॉब्लम आ सकती है. इसलिए सीलर को सिर्फ ऐसे करके हमें रखना है.